आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एकमात्र सत्य का ज्ञान बताने वाले, एकमात्र शिवत्व की ऊर्जा सही मार्ग दिखाने वाले चैनल पे। सत्य की दृष्टि ही ऐसी है जो आप माया को और उलझनों को पार करके देख सकते हैं। तीसरी आँख, यह अद्भुत सत्य की दृष्टि होती है। तो सत्य के मार्ग में आपको पूर्ण रूप से बताता हूँ, क्योंकि प्रमाणित और प्रायोगिक होता है, क्योंकि सत्य हमेशा प्रमाण पे ही रहता है, वो सिद्ध रहता है, उसे कहीं पे भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्यार, जिसे पाने के लिए और उस प्यार में होने के लिए लोग इतने 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 ज़्यादा उठा पटक और कर्म कांड करते हैं, लेकिन फिर भी वह सत्य को नहीं समझ पाता। जो सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की, जो कहीं पे गलती है, वह सिर्फ इतना ही है कि आप सच को नहीं जान पाते। फिर सच को नहीं जान पाए तो उल्टा सीधा किए तो फिर उल्टा सीधा परिणाम मिलता है। कोई भी व्यक्ति हो जिसका जीवन में प्यार है, वो जरूर और निश्चित रूप से खुश रहेगा, आनंदित रहेगा और हर चीज़ उसके पास रहेगा। खुशी है तो सब चीज़ है, लेकिन अगर जीवन में प्यार ही नहीं है, सच्चा प्रेमी प्रेमिका ही नहीं है, पति पत्नी में ही सबसे बड़ा चीज़ प्यार नहीं है, तो खुशी से तो उसको कोसों दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। जीवन सिर्फ दुख तकलीफ से भरा है। तो गलती कहाँ पे है मित्रों? जो सत्य है वह यह है कि आप हमेशा उसके पीछे भागते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे नौकरी के भी पीछे भागते हैं, प्यार के भी पीछे भागते हैं, वस्तु के पीछे भागते हैं। और याद रखिएगा, इस संसार का सबसे बड़ा नियम है कि व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु के पीछे भागेगा, इच्छा करेगा तो इच्छा उसे अपना गुलाम बना ही लेगी, वासना उसे गुलाम बना ही लेता है। राजा तो सिर्फ वही हो सकता है जो शिव है, सत्य है। राजा सिर्फ मुक्ति की अवस्था को खोजने से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया, वह राजा हो जाता है। मैंने बताया ना, उसकी सेवा देने के लिए हर चीज़ रहेगा, प्यार रहेगा, पैसा रहेगा, वस्तु रहेगा, घर रहेगा, परिवार रहेगा। तो आपको यहाँ पे इस नियम को अप्लाई करना है, एक तरह से अपने आप को साधना है, एक लय में, एक रिदम में लाना है। वह रिदम यह है कि आपको पीछे नहीं भागना है भाई किसी चीज़ के, क्योंकि कुछ परसेंट में यूँ समझ लीजिए कि आपका दिमाग ऐसे काम करेगा, जैसे पृथ्वी के ऊपर से मैं किसी भी चीज़ के ऊपर फेंकूँगा तो वापस नीचे पृथ्वी में ही आकर गिरेगा, धरती में ही आकर गिरेगा। अर्थात यह प्रमाणित हो जाता है, आँख बंद करके आप जान सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई शक्ति है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहते हैं। तो उसी चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है किस तरह से अपने अंदर की और सत्य की शक्ति को प्रयोग करके अपने मन चाहे चीज़ को पा सकते हैं। मन चाहे चीज़ का अर्थात यह है, आपका एक गोल है रिलेशनशिप का, आपका एक टारगेट है प्यार का, आपका एक टारगेट है जीवन का, कि जीवन आपके आधार पे हो, वैसे हो जैसा आप चाहते हैं। तो उस अवस्था को छूने के लिए, उस आयाम को पाने के लिए अपने आप को साधना होगा, लय में लाना होगा। सबसे पहली चीज़ वो वासना, वासना या तो गुलाम बनाएगा, इसके पीछे ना भागे। उसके बाद वस्तु या फिर प्रेमी प्रेमिका के पीछे मत भागे। आपको वाकई में सच में होना पड़ेगा, सच्चाई को धारण करना पड़ेगा, ईमानदारी को धारण करना पड़ेगा। आपको वाकई में उससे प्यार करना होगा, और यह दिखावे का नहीं, अंदर की बात है। जब अंदर में आपके मन में आत्मा में उसके लिए प्यार ही रहेगा, उसके लिए केयर रहेगा, और उसके लिए आपके मन में एक भाव रहेगा, फीलिंग्स रहेगा जो समर्पण का होता है, तो यकीन मानिए आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। ये ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, जिसे अनंत शक्ति हम कहते हैं, ब्रह्मांडी शक्ति उसको और आप तक ला करके एक दूसरे से मिला ही देगा, चाहे कुछ भी हो। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, और अनंत सत्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो अपने आप को साधना है। कैसे साधना है? अब यहाँ पर साधना यह हुआ कि मन विचार भाव वासना और अहंकार घमंड से मुक्त होकर के प्यार समर्पण त्याग में रहना होगा।